हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है दीपिका पांडे और आप जो देख रहे हैं ये है उषा की सिलाई मशीन और इसमें क्या क्या दिया हुआ है, कैसे काम करती है, उसमें क्या फीचर्स वगैरह है, आज हम वो देखेंगे। तो चलिए इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस मशीन का पूरा नाम है उषा जेनोमी ड्रीम स्टिच ऑटोमेटिक सेविंग मशीन। और इस मशीन को दोस्तों मैंने लिया था 1 साल पहले और इसका प्राइस ऑनलाइन से मैंने लिया था तो इसका प्राइस 8,000 था। अभी इसका प्राइस चल रहा है 7,500 के करीब। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा देती हूँ इसके साथ मुझे मिला क्या क्या है। मुझे इसके साथ मिला था ये पैडल इलेक्ट्रिक का और ये है इसका कवर। के साथ मुझे मिली थी ये इंस्ट्रक्शन बुक और लर्न करने के लिए सीखने के लिए ये मिली थी सीडी और ये है 2 ईयर्स वारंटी कार्ड। तो अब हम दोस्तों इसके फीचर्स वगैरह इसके पार्ट्स के बारे में अब हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये है साथ में मिला है मुझे हैंडल ताकि आप यहाँ से वहाँ इसे रख सकें आसानी से। तो ये जो आप सामने में देख रहे हैं बिग बटन और यहाँ से हम करते हैं मोड्स जो आपको पैटर्न्स चेंज करने हैं तो यहाँ से होता है। यहाँ से हमें इसे इस तरह से घुमाना होता है। ये है सिंपल सिलाई 3 और यहाँ आप देख रहे हैं जिगजैग वगैरह बाकी सब सिलाई आपको दिख रही है ये सब है। और ये जो देख रहे हैं इसे कहते हैं सिंगल टच रिवर्स बटन। अगर आप इसे प्रेस करके रखेंगे तब तक आपकी सिलाई सामने नहीं आएंगी, पीछे ही कंटिन्यूसली जाते रहेंगी तब तक जब तक आप अपनी यहाँ से उंगली हटा ना लेते। अब दोस्तों ये है वो जिस जहाँ से हम घूमती है हमारी सिलाई, ये है व्हील से अगर अंदर करें तो आपकी जो मशीन है वो घूमेंगी यहाँ से। और अगर आपको बॉबिन भरना है यहाँ पे भरते हैं हम बॉबिन में धागा तो अगर आप इसे बाहर कर लेंगे तो आपकी सिलाई रुक जाएंगी और आप यहाँ से बॉबिन भर सकते हैं। इस तरफ करके बॉबिन को अटैच करके हमें इस तरफ करना होगा तो हमारी सिलाई से मशीन से धागा भर जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये है ये जो आप देख रहे हैं ये ऑन ऑफ की बटन है। और यहाँ पे आप देखते हैं सामने की तरफ तो ये जो आप देख रहे हैं इतना हिस्सा एक कंपार्टमेंट है जिसके अंदर है कुछ एसेसरीज हमें मिल जाती है इस मशीन के साथ आई है। इसमें है बॉबिन धागे और स्पून और ऑयल करने के लिए ये चीज़ें हमें सारी मिल जाती है चेंज करने के लिए। जो फूट कहते हैं फूट वो हमें मिल जाता है एक्स्ट्रा के। अगर दोस्तों आप इसे यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा कुछ सिलाई करने के लिए एक्स्ट्रा का सर्कुलेशन। तो अगर आप इसे उठाएंगे और यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे अपने कपड़ों को तो सर्कुलेशन आप सिलाई कर सकते हैं। यहाँ पे है अंदर में हमारा बॉबिन केस और ये जो आप देख रहे हैं ये इसे ये जो आप देख रहे हैं ये लॉक सिस्टम। इसे हटाना है अगर आपको बॉबिन निकालनी है तो इस तरह से निकालना पड़ता है हमें। इसके साथ ये जो देख रहे हैं सब साथ में है हुड और ये होल्डर। इन सब चीज़ों को आप निकाल कर अंदर की तरफ आप एक क्लीन करते रहना होगा चाहे कपड़े से करिए या ब्रश से। और ये है हुड रेस और ये है होल्डर साथ में। और दोस्तों बॉबिन जो है ये जो आप देख रहे हैं ये हमें मिलता है साथ में प्लास्टिक का और इसे आपको ध्यान रखना है कि प्लास्टिक ही इसमें लगाना है, प्लास्टिक के बॉबिन से ही हमें काम करना है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे से हम जब सिलाई करते हैं तो यहाँ से हम तनाव कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए ये छोटा सा ये सर्कल है यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये कम ज़्यादा करने के लिए है। इसे अटैच करना मुझे थोड़ा सा टफ लगता है दोस्तों क्योंकि ये न्यू मशीन है मेरे लिए। इसे हम लॉक कर देंगे। दोस्तों हमें इस मशीन के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। जब हमें ऑयलिंग करना है तो हमें बस यहाँ करनी है ऑयलिंग। और ये बताना मैं आपको भूल गई ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें मिल जाती है लाइट बल्ब जिसकी मदद से हमें क्लियरिटी नज़र आती है सिलाई में। और इसे आप खोल के
यहाँ से आप खोल के इसके अंदर भी आपको ऑयलिंग करनी है, लेकिन ज़्यादा ऑयलिंग नहीं करनी है हमें इसमें, ये बात पे ध्यान देना है। तो देख ही पा रहे होंगे आप, देखिए यहाँ पे चालू हो गई है लाइट। किस तरह से आपको यहाँ से धागे लगाने हैं, वो जोड़ना हमें है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ हमें लगाना होता है धागा। अब यहाँ से लेके जाएंगे, इसे घुमाते हुए हम ऊपर लाएंगे। तो दोस्तों मैंने धागा लगा दिया है, अब मैं आपको यहाँ पे देखिए मैं करती हूँ मीडियम सिलाई, वो आपको करके दिखाऊंगी। तो दोस्तों चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप देख लीजिए। और यहाँ पर आप लाइट चालू, इस वजह से आपको शायद बराबर ना दिख रहा हो। पैडल मैंने नीचे रख दिया है, इस पर पैर रख दिया, मैं चालू कर देती हूँ। पहले हमें ये प्रेस कर देती हूँ मैं, अब चलिए स्टार्ट। देखिए कैसी स्मूथ आवाज़ है इसकी। सिंपल सिलाई। तो देखिए मैंने सिलेक्ट कर दिया है पीको करने के लिए ये जिगजैग मोड़। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ पीको की सिलाई। देखिए दोस्तों ये है पीको की डिज़ाइन, जिसे मैं अपनी साड़ी में या फिर दुपट्टे में करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको पीछे जो सिलाई होती है वो मैं आपको करके बताऊंगी। ये है बटन जिससे हमारी सिलाई होंगी पीछे। तो ये मशीन को मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं इसे इसमें सिंपल सिलाई कर लेती हूँ और ये पीको कर लेती हूँ कभी कभार साड़ी में। दोस्तों तो मुझे कुछ पता नहीं है कि इसके साथ जो एक्सेसरीज आई है उसे किस तरह लगानी है, लेकिन दोस्तों जब मुझे लगाना हो तो मैं लगाऊंगी। लेकिन दोस्तों फ़िलहाल अभी मैंने नहीं लगाया, इसलिए मैं आपको वो दिखा नहीं सकती। जब आप लोगे तो आपको उसमें साथ में मिल जाता है इंस्ट्रक्शन बुक, तो उसमें काफ़ी कुछ लिखा है किस तरह से आपको सब चीज़ें लगानी है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये जो सीडी मिली है आप सीख सकते हैं उसमें, तो किस तरह से चलानी है हमें। तो दोस्तों
लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहती थी कि ये जो मशीन है पुरानी सिलाई की जो हमारी मशीन होती थी उसके मुकाबले बेस्ट परफॉर्मेंस में उभर कर आ गई है ये मशीन। दोस्तों पुरानी जो हमारी मशीनें थी उसमें हमें रह रहकर ऑयलिंग करनी पड़ती थी, रस्सी का निकलना, पैरों में दर्द होता था, बार बार हमारा बॉबिन केस हमें धोखा देते रहता था, और इसके बावजूद भी हम काम करते टाइम हमारा साथ छोड़ती थी वो हमारी पुरानी सिलाई मशीन। मगर ये दोस्तों ऐसी कुछ नहीं है, जब भी मैंने इसमें सिलाई किया है तो मुझे कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हुई है। तो दोस्तों आप चाहे तो ऑनलाइन प्राइस जो उसका चल रहा है आप वहाँ से भी ले सकते हैं, आप चाहे तो मार्केट से भी ले सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों हमारे घर में ये मशीन बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें कोई हेडेक नहीं है, आपको बार बार ऑयलिंग करना है या फिर रस्सी निकल जा रही है ऐसा कुछ नहीं रहेगा आपको, और स्मूथ चलने वाली शानदार मशीन है ये। और क्लियरिटी से अगर आपको सिलाई करनी है तो साथ में हमें लाइट बल्ब भी मिल जाता है दोस्तों, तो इसका काम बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। तो अगर आपको मेरे इस मशीन का डेमो अच्छा लगता है तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।